क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 6.59। सर आपने क्वेश्चन नंबर 33 नहीं कराया। बेटे मैं कराऊंगा, मेरे को याद है, सारे क्वेश्चंस मुझे ही कराने हैं। आप बस क्वेश्चंस को समझते जाएं और अच्छे से रजिस्टर को मेंटेन करते जाएं। एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। हमारे पास तीन पार्टनर है बच्चों, एक्स वाई और जेड, 3:2:1 की रेशियो में। On 1st April 2020, Y retired from the firm. Y retire हो गया है। आपको liability side में बेटे creditors given है, bills payable given है, expenses owing given है, general reserve given है, capital account XYZ का दिया है। बच्चों आपको asset side में cash in hand given है, cash at bank given है, डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, फैक्ट्री प्रीमिसेस गिवन है, मशीनरी गिवन है, लूज टूल्स गिवन। टोटल आपको 7,05,000, 7,05,000 दोनों तरफ टोटल दिया। द टर्म्स वर, टर्म्स उनके बीच में क्या है बेटे रिटायरमेंट की, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,35,000, गुडविल को 1,35,000 पे वैल्यू किया गया है। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन ₹2,37,500, जो एक्सपेंसेस ओइंग लाइबिलिटी साइड में है उनकी वैल्यू अब 37,500 तक आ गई है। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, मशीनरी और टूल्स की वैल्यू भी 10% से कम हो रही है। फैक्ट्री प्रीमिसेस को रिवैल्यू किया गया है 2,43,000 में, जो पहले 2,25,000 थे। तो सर हम पहले यहां पर एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। बच्चों के पास तो स्केल और पेन होता है तो वो साफ साफ फॉर्मेट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू कम लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज लाइबिलिटी कम। सर फैक्ट्री प्रीमिसेस अब 2,43,000 के हो गए हैं, जो पहले 2,25,000 के दिए गए थे। तो सर ये तो वैल्यू इंक्रीज कर गई, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो सर जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो वो तो क्रेडिट साइड आते हैं, तो बेटे मैं वहीं लिखूंगा बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस 18,000, 2,43,000 माइनस 2,25,000। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन ₹2,37,500। सर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, पहले हमारे पास एक्सपेंसेस ओइंग की वैल्यू 45,000 है, अब वो 37,500 हो गई। मशीनरी एंड लूज टूल्स की वैल्यू कम हो रही है सर, एसेट्स कम हो रही है, तो बेटे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। टू मशीनरी 80,000 का 10% 8,000, लूज टूल्स 40,000 के हैं,
4,000 सर, और कुछ नहीं है हमारे पास। ये हो गया बेटे 25,500। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ₹13,500 का प्रॉफिट आ गया, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, रेशियो है 3:1, यानी बेटे 13,500 इंटू 3/6 2/6 6750 4500 225 मैं एक बार ऊपर कर देता हूं बेटे, आप 2 मिनट नोट कर ले, मैं रुका हूं। बच्चे आवाज नहीं करेंगे, आराम से चुपचाप नोट करेंगे। मुझे लगता नहीं यहां पे कोई डाउट होगा। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, लूज टूल्स कम हो गए, एसेट्स कम होती हैं तो बेटे डेबिट साइड आती हैं। यहां पर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, यहां पर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। बेटे नेक्स्ट मैं यहां लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, ₹1,50,000, ₹1,50,000, ₹1,50,000। मैं वाई के ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा लेता हूं कि मेरे को याद रहे कि वाई रिटायर हो रहा है। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिया गया है तो वो तीनों पार्टनर्स को दे देते हैं बेटे, बाय जनरल रिजर्व बेटे। पार्टनरशिप में एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। 1,35,000 है बेटे, डिवाइड कर दें उसको अगर, तो आप देखो जरा ऊपर मेरे पास 13,500 ये आया था, यहाँ पे मैंने ऐसे डिवाइड किया, अब एक जीरो ज्यादा हो गई तो यहाँ पर एक एक जीरो आगे कर देते हैं बस, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। 67,500 45,000 22,500 सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हुआ था बेटे, लिख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे लिखूंगा मैं।
बाय रिवेल्यूशन प्रॉफिट 6750 4500 2250 सर फर्म की गुडविल दे रखी थी बेटे आपके पास तो कैपिटल अकाउंट के नीचे जगह होगी आप वहां पे वर्किंग नोट लिखेंगे फर्म्स गुडविल 1,35,000 वाइज शेयर 1,35,000 into 2/6 45,000 वाई को ये शेयर एक्स और जेड देंगे सर न्यू रेशियो तो दे नहीं रखी बेटे मैंने आपको तो स्टार्टिंग से सिखा रखा है 3:1 की रेशियो है वाई रिटायर हो गया तो रेशियो क्या रह गई 3:1 की रह गई 45,000 इंटू 3/4 यहां पर आएगा 3,375 यहां पे आएगा बेटे 1,125 बेटे मैं गुडविल की एंट्री दूसरे कलर से कर देता हूं वाई को पे करना है ये वाई की क्रेडिट साइड है तो जब हम उसको गुडविल देंगे तो बेटे उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी एक्स और जेड उसको पे करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी बेटे कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड होती है और डिक्रीज डेबिट साइड होती है अब वाई को एक्स और जेड पैसा दे रहे हैं तो मैंने यहां पर लिखा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट double 3,750 by Z capital account 1,250 यहां पे लिखूंगा 2Y's कैपिटल अकाउंट 3,750 1,250 सर क्वेश्चन में ना ये कह नहीं रखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो बेटे ये तो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि जब क्वेश्चन में ये बात ना कह रखी हो कि हम रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसका सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम ये मान लेंगे कि बेटे हम उसको बाद में वो पैसा पे करेंगे और वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया सर हम यहाँ पे टोटल करते हैं हम सबसे पहले वाई का ही टोटल कर लेते हैं 1,50,000 45,000 4,500 3,750 1,250 बेटे टोटल हमारे पास आ गया 2,44,500
यहां पे मैं लिखूंगा टू, वाई इज लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, टू डबल फोर फाइव डबल जीरो। मैं इधर एक्स का टोटल करूंगा, 224,250 174,750 इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये तो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये तो अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 190,450 है, और ये आएगा बेटे 163,500। आप लोग जल्दी नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। बेटे इस बात को जल्दी नोट करेंगे।
बेटे बैलेंस शीट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बैलेंस शीट यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ बेटे कि आपको पता हो कि बैलेंस शीट के अंदर कैसे चेंजेस आए। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेंजेस आया बेटे, मैंने वही यहाँ पर करके लिख दिए हैं। ये देखो बेटे, वाई का लोन अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी बन गया है। सर बैलेंस शीट रह रही थी, एक मिनट बेटे। बैलेंस शीट वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, आप देख सकते हैं, ये ले। बेटे क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 6.60। बेटा एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 On 1st April 2019, Naresh retired on that date. 2020, Naresh retired on that date. Balance sheet आपको दी हुई है बेटे, और नीचे balance sheet के बाद point number A के अंदर आप लोगों को revaluation के बारे में बताया गया है। B में goodwill दी गई है firm की, और C में बेटे उसको कैसे pay करना है वो बताया गया है, और last point number D के अंदर आपको बेटे new ratio दी गई है 5:1। आपको न्यू रेशियो दी गई है बेटे 5:1। तो हम बेटे वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे, बच्चे साथ साथ करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो,
बेटे रिटायर हुआ है नरेश, पंकज, नरेश और सौरभ। रेशियो है 3-2-1। नरेश रिटायर हो गया बेटे, पंकज और सौरभ। थ्री टू वन की रेशियो थी, पंकज और सौरभ 3-1। बेटे न्यू रेशियो आपको दी है। अब जब न्यू रेशियो हमें गिवन कर दी गई बेटे, अब जब न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन कर दी गई, तो हमें बेटे अब ऐसे नहीं करना, अब हमारे को इस तरीके से नहीं करना। हमें न्यू रेशियो दे दी गई है बेटे क्वेश्चन के अंदर, वो है 5:1। यानी सर ये इनकी ओल्ड रेशियो मानी गई और ये वाले इनकी न्यू रेशियो मानी गई। तो आपने हमें सिखा रखा है गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पंकज के लिए अगर हम न्यू रेशियो देखें बेटे, तो 5/6 माइनस ओल्ड रेशियो है बेटे 3/6। एलसीएम आ गया 6, 5-3 2/6। बेटे ये गेन कर गया 2/6। सौरभ की देखेंगे बच्चों, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस 1/6। सर इसकी तो 0 आ गई। यानी सर सारा गुडविल का शेयर पी अपने घर से लाएगा और नरेश को दे देगा, मतलब पंकज लेकर आएगा और नरेश को पे कर देगा। हाँ बेटे, मैं इधर बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू कम लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज लाइबिलिटी कम। प्रीमिसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमिसेस 20% से एप्रिशिएट हो रहे हैं। जब प्रीमिसेस बेटे एप्रिशिएट हो जाएंगे तो बाय प्रीमिसेस लिखेंगे। अच्छा अभी करता हूं। स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से टू स्टॉक 900। प्रोविजन हमें बनाना है बेटे 5% का डेटर्स के ऊपर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स हैं बेटा मेरे पास 6000 के, 6000 का 5% हो गया, 6000 का 5%। सर 300 ऑलरेडी बना हुआ 400 से, तो सर यहां तो कम करना पड़ेगा बेटे। 6000 के हमारे डेटर्स हैं, हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 5% का, यानी हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 300 का, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 400, तो हमें 100 रुपीज से कम करना पड़ेगा बेटे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 100। लाइबिलिटी कम हो गई। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। एक लीगल डैमेजेस का प्रोविजन आपको बनाना है बेटे, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है बेटे 45,000 तक। बाय फर्नीचर अकाउंट 4000। ₹20,100 इनको माइनस किया बेटे
टू प्रॉफिट ट्रांसफर 18,000, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, पंकज, नरेश और सौरभ में 9,000, 6,000, 3,000. कैपिटल अकाउंट पंकज, नरेश, सौरभ, ओपनिंग बैलेंस बेटे 46,000, 30,000, 20,000, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,000, 6,000, 3,000, बाय जनरल रिजर्व 6,000, 4,000, 2,000, बाय पंकज कैपिटल अकाउंट. बेटे वो सारी गुडविल पंकज ही लेकर आएगा क्योंकि वो अकेला ही गेन कर रहा था, और नरेश को दे देगा 14,000. नरेश कैपिटल अकाउंट हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा, जनरल रिजर्व लिखा, और बेटे कैपिटल अकाउंट के बारे में यहां पर उसकी गुडविल के बारे में लिखा. फर्म की गुडविल 42,000 थी बेटे, मैं उसको भी करके दिखा देता हूं. मैं यहां लिख देता हूं बेटे वर्किंग नोट में, फर्म की गुडविल 42,000 है, नरेश का शेयर 42,000 इंटू 2/6 बेटे ये आएगा 14,000. आपने पहले देख लिया था कि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, तो बेटे जो पार्टनर गेन कर रहा है वही गुडविल का सारा पैसा लेके आएगा. और आप देखो यहां पर एन जो है वो गुडविल का सारा पैसा लेकर आया है 14,000, और ये हमने पंकज के अकाउंट से पैसा निकाल लिया. सर अब हमारे को क्या करना है? बेटे पहले आप क्या करो, नरेश का टोटल करो. मैं आपको एक एडजस्टमेंट यहां सिखाऊंगा जो वहां लिखी है पॉइंट. पहले आप नरेश का टोटल करें. बेटे नरेश का टोटल आता है 54,000, ये हमें उसको पे करना है. हमें नरेश को पे करना है 54,000. बेटे क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट नंबर सी में 26,000 रुपीज फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक. ठीक है सर, वो कह रहा है पहले इस 54,000 में 26,000 रुपए तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. मैंने यहां पर लोन अकाउंट डाल देता, ये लो 26,000 रुपए तो यहां डाल दिए. अब 54,000 में से 26,000 रुपया लोन में चला गया, अब बाकी रह गया 28,000. बच्चे बहुत ध्यान से देखकर बताओ आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है. सर 7,600. बेटे आपके पास बैंक में बैलेंस है 7,600 और आपको पे करना है 28,000. अरे सर आपके पास बैंक में बेटे पैसे है 7,600, ये आपके पास पैसा है और बेटे आपको पे करना है 28,000. सर ये कैसे होगा? बेटे उसने ये कह दिया है कि जो यहां पैसे की कमी पड़ेगी वो हम बैंक से लोन ले लेंगे. यानी सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बैंक लोन आ जाएगा 20,400 रुपए का, लेकिन सर इस साल तो बैलेंस शीट है नहीं. तो बेटे आपके मजे आ गए, बैलेंस शीट नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट सीखने की जरूरत नहीं पड़ी. बस आपको ये पता लग गया
कि हमारे पास बैंक में 7600 रुपीज हैं, पे करने हैं 28,000। क्वेश्चन में ये लिखा कि जो शॉर्टेज होती है वो आप बैंक से लोन ले ले, और बैंक से लोन लेने का मतलब है कि सर मेरे पास लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बैंक लोन आ जाता 20,400 रुपए का। तो सर अब मैं यहां लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट, मुझे कहा गया ये 28,000 बैंक से पे कर दो, ठीक है बेटे। तो यहां पे सर लोन का अमाउंट आ जाता 20,400 रुपए, और हम इसको शो करते लाइबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट तो आपको बनानी नहीं है सर, यहां पर पी का टोटल किया 61,000, एस का टोटल किया 25,000, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 61,000 में से 14,000 माइनस किया, 25,000 में से कुछ माइनस नहीं होगा, डायरेक्टली 25,000 इधर आ गया, तो ये इनका बैलेंस रह गया बेटे रिमेनिंग पार्टनर्स का, ये हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया और ये उसको हमने बैंक से पे कर दिया। तो सर जो ये एन का लोन अकाउंट है बेटे, मैंने अभी तो आपको सिखाया था, ये भी लाइबिलिटी साइड आता है, लेकिन बैलेंस शीट बनानी नहीं है इसलिए हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं।